नमस्ते दोस्तों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर वन सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ठोसों में अपूर्णता या क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल त्रुटि के बारे में बात करेंगे, जहां से अक्सर छोटे मोटे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, उससे पहले बूस्टर लाइन कि हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, अभी तो बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, अभी तो बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें सबसे पहले करके दिखाना है, उन्हें सबसे पहले करके दिखाना है। तो आज की ये अपनी क्लास है, स्टार्ट करते। जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अपनी जब भी ऑनलाइन क्लास होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है। और जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक क्लास अटेंड नहीं की है, मेरे आपको साइड में व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहे होंगे, वहाँ से आप इसमें मुझे मैसेज करते अपना नाम, अपने स्कूल का नाम और डिस्ट्रिक्ट, जिससे मैं आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर सकूँ, जिससे महत्वपूर्ण सूचनाएँ आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की टॉपिक की बात करें तो अपना जो टॉपिक है ठोसों में अपूर्णता ऑब्लिक क्रिस्टल दोष, ठोसों में अपूर्णता ऑब्लिक क्रिस्टल दोष, और या इसके लिए हम एक शब्द और काम ले लेते हैं, क्रिस्टल त्रुटि। तो तीनों में से जो भी लिखा हो बात एक ही है, तो तीनों शब्द अपने को याद क्या करने हैं, ठोसों में अपूर्णता कमी बोल सकते हो, क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल त्रुटि। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण है वो अपनी निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, ऐसे क्रिस्टल को हम बोलते हैं आदर्श क्रिस्टल। और ये स्थिति केवल परम शून्य ताप अर्थात जीरो केल्विन ताप पर ही पॉसिबल है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर में वृद्धि होती है, कुछ क्रिस्टल अपने क्रिस्टल में जो अवयवी कण होते हैं वो अपना स्थान छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल में अपूर्णता क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। अब इससे रिलेटेड कि ये दो प्रकार की होती है, फिर उनमें और प्रकार, तो उनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको लिखना कि ठोसों में अपूर्णता क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल त्रुटि। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ से थोड़ी सी छोटी सी बात और समझ सकते हो, जैसे हम समझते हैं कि जैसे आपने क्या किया, ये अवयवी कण है, क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित स्थान पे होते हैं, कहाँ होते हैं, एक निश्चित स्थान पे इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। लेकिन ये कंडीशन तब लागू होती है जब टेम्परेचर क्या हो, जीरो केल्विन, ओके नहीं है, जीरो केल्विन हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप। क्योंकि इस अवस्था में जो क्रिस्टल होती है उसकी जो ऊर्जा होती है वो शून्य होती है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, मैं बता अपना रूम टेम्परेचर की भी हम बात करें तो 298 केल्विन होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर में इंक्रीज होगी तो इन क्रिस्टल में जो अवयवी कण है उनको एनर्जी प्राप्त होगी, और एनर्जी के कारण कुछ क्रिस्टल अपना स्थान छोड़ के क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं, कुछ क्रिस्टल एक्स्ट्रा इस क्रिस्टल जालक में आ जाते हैं, जिससे क्रिस्टल की जो आदर्श संरचना वो थोड़ी विचलित हो जाती है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ठोसों में अपूर्णता क्रिस्टल दोष या क्या कह सकते हैं, क्रिस्टल त्रुटि कह सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, पहले डेफिनेशन फिर इसके प्रकार। तो स्टार्ट करते हैं कि क्रिस्टल जालक में क्रिस्टल जालक में अवयवी कण, क्या लिखा है, क्रिस्टल जालक में अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, ऐसे क्रिस्टल
आठ दस क्रिस्टल कहलाते हैं। यह स्थिति कौन सी? आदर्श क्रिस्टल की स्थिति। यह स्थिति केवल परम शून्यता अर्थात जीरो केल्विन, परम शून्यता अर्थात जीरो, यह स्थिति केवल परम शून्यता पर संभव होती है। ठीक है, यहाँ से तो बात की क्रिस्टल, आदर्श क्रिस्टल जिसमें आविर्भीकरण एक निश्चित क्रम में हो, और ये स्थिति कब पॉसिबल होगी? जब टेम्परेचर कितना हो? जीरो केल्विन, क्योंकि उस समय एनर्जी बिल्कुल जीरो होगी। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर में वृद्धि होगी तो कुछ, तो क्रिस्टल में कुछ आविर्भीकरणों में किसी भी कारण से अनियमितता विचलन उत्पन्न हो जाए तो वो कहलाता है आपका क्रिस्टल, क्रिस्टलों में अपूर्णता, क्रिस्टल दोष या टूटी। तो इसको चाहो तो आप इस प्रकार से यहाँ पे लैंग्वेज के रूप में हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं कि क्रिस्टल में आवेवी कणों में किसी कारण से, क्रिस्टल में आवेवी कणों में किसी कारण से अनियमितता अपूर्णता या विचलन हो जाता है। इसे अब तीनों में जैसे टोसों में अपूर्णता, क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल टूटी, तो इसे क्रिस्टल दोष कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? क्रिस्टल दोष कहेंगे। तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में हमने इसको लिखा है कि क्रिस्टल में आवेवी कणों में किसी कारण से अनियमितता अपूर्णता या विचलन हो जाता है, या विचलन उत्पन्न हो जाता है, इसे क्रिस्टल दोष कहते हैं। तो ये जो सिंपल सी बात थी कि डेफिनेशन है, समझने के हिसाब से आप समझ सकते हो कि जो क्रिस्टल होते हैं उनके कणों में कहीं अंतर आ जाए, कुछ कण बाहर चले जाए, कुछ अंदर आ जाए, या अपना स्थान छोड़ के साइड में शिफ्ट हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल टोसों में अपूर्णता, क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल टूटी। तो ये तो इसकी डेफिनेशन है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अब यहाँ से अपना टॉपिक बनेगा कि क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल टूटी कितने प्रकार की होती है, क्या क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ से बात करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करें। अब यहां से अपना टॉपिक स्टार्ट होता है, और यहां से अपने को समझना है कि हमें इसको किस प्रकार से याद करना है और क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो नॉर्मल डेफिनेशन थी। सबसे पहले आप समझो कि जो टोसों में अपूर्णता, क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल टूटी होती है वो दो प्रकार की होगी। कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की। पहले को हम बोलते हैं रेखीय दोष, लाइनर डिफेक्ट। दूसरा होता है बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट। रेखीय दोष और दूसरा होता है बिंदु दोष। अपने सिलेबस में कौन सा टॉपिक है? बिंदु दोष। पहले एक लाइन में, रेखीय दोष का मतलब क्या होता है कि जब क्रिस्टल जालक की पूरी एक पंक्ति में, एक लाइन में ही अनियमितता आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेखीय दोष। तो सिंपल सी एक लैंग्वेज में, छोटी सी लैंग्वेज में यहां पर हम चाहे तो लिख सकते हैं कि जब क्रिस्टल जालक की, जब क्रिस्टल जालक की पंक्ति में अनियमितता आ जाती है, जब क्रिस्टल जालक की पंक्ति में अनियमितता आती है कि पूरी लाइन ही गायब हो जाती है, तो उसे आप क्या बोलोगे? रेखीय दोष। उसे आप क्या कहोगे? रेखीय दोष। अब बात करते हैं बिंदु दोष। बिंदु दोष में क्या होता है कि क्रिस्टल जालक में जो आवेवी कण होते हैं, उन आवेवी कण, कुछ आवेवी कण अपना स्थान छोड़ देते हैं, मतलब उन आवेवी कणों की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ से आपको याद रखना कि बिंदु दोष की जब हम बात करें तो बिंदु दोष में क्रिस्टल में उपस्थित आवेवी कणों के कारण ये उत्पन्न होगा, कुछ आवेवी कण अपना स्थान छोड़ देते हैं। तो अगर
लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी, क्रिस्टल में उपस्थित कुछ अवयवी कणों के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बिंदु दोष। क्या बोलते हैं, बिंदु दोष। अब यहां से आपको समझना है कि आपका जो बिंदु दोष होता है, बिंदु दोष है वो आपका तीन प्रकार का होता है। यहां से आपको याद समझना है, यहां से अपने क्वेश्चन बनना स्टार्ट होंगे। बिंदु दोष, पहले दोष को हमने नाम दिया है स्टाइकियो मिट्री दोष। पहला दोष कौन सा है, स्टाइकियो मिट्री दोष। दूसरा दोष होगा आपका नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, और तीसरा होता है आपका अशुद्धता दोष। तो यहां से आपकी ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि बिंदु दोष है वो तीन प्रकार का होगा। यहां से क्वेश्चन अच्छा बनेंगे आपके कि बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार का। पहले पहला कौन सा, स्टाइकोमेट्री, दूसरा नॉन स्टाइकोमेट्री दोष, और तीसरा क्या होता है, अशुद्धता दोष। अब हम बात करेंगे ये तीनों कौन से होते हैं, और यहां से एक क्वेश्चन सबसे अच्छा बनता है कि जो स्टाइकियोमेट्री दोष होते हैं ये चार प्रकार के होंगे। स्टाइकियोमेट्री दोष कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। नंबर पहला दोष होता है रिक्तिका दोष, दूसरा दोष होगा अंतराकाशी दोष। पहला दोष रिक्तिका दोष, दूसरा दोष अंतराकाशी दोष, और तीसरा फ्रैंकल दोष, और नंबर चार शॉर्ट की दोष। नंबर चार शॉर्ट की दोष, यहां से मुख्यतः इन चार में से भी आपके फ्रैंकल और शॉर्ट की, यहां से सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो फिर से रिपीट करें, स्टाइकियोमेट्री दोष कितने प्रकार के हैं, चार प्रकार के। कौन कौन से, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, फ्रैंकल दोष, और शॉर्ट की दोष। अब सबसे पहले तो आपके ये कंफ्यूजन होगा कि सर ये स्टाइकियोमेट्री दोष क्या होता है, कि ऐसा दोष जिसमें क्रिस्टल जालक में धनायन, ऐसा दोष जिसमें क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात सदैव समान होता है। धनायन व ऋणायन की, स्टाइकियोमेट्री दोष में जो धनायन और ऋणायन होते हैं उनके परमाणु की संख्या का जो अनुपात होता है वो सदैव समान होता है, लेकिन नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष में वो समान नहीं होता है, और अशुद्धता दोष में कोई बाहर से अशुद्धि मिला दी जाती है। तो स्टाइकोमेट्री दोष के लिए अगर हम एक लाइन लिखना चाहें तो यहाँ पर ये लाइन इसमें ऐड कर सकते हैं कि इस दोष में यह वह दोष, देखो स्टाइकोमेट्री दोष के लिए मैं यहाँ एक लाइन लिख रहा हूँ कि वह दोष जिसमें, वह दोष जिसमें, यह वह दोष जिसके कारण क्रिस्टल जालक में धनायन व ऋणायन की संख्या, वह दोष जिसके कारण क्रिस्टल जालक में धनायन व ऋणायन की संख्या का अनुपात सदैव समान होता है। सदैव क्या होता है, समान होता है। तो ऐसे दोष को आप क्या बोलते हो, स्टाइकोमेट्री दोष कहेंगे। मतलब स्टाइकोमेट्री दोष में चाहे अवयवी कण बाहर जाए अंदर जाए, लेकिन जो धनायन और ऋणायन की संख्या का जो अनुपात होता है वो सदैव क्या रहेगा, समान रहता है अणुसूत्र के अनुसार। अब स्टाइकोमेट्री दोष कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, फ्रैंकल दोष,
और शर्ट की दोष, इन चारों दोषों के बारे में हम अलग से डिटेल से बात करेंगे। तो उससे पहले हम शॉर्ट में फिर एक बार इसका थोड़ा सा रिपीटेशन कर लेते हैं कि आपसे कोई ये पूछ लिया जाए कि दोषों में अपूर्णता या क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल त्रुटि क्या होती है, तो सीधा सी बात एक लैंग्वेज में लिखनी है कि क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो अनियमित हो जाती है, उनमें विचलन उत्पन्न हो जाता है या उनमें कोई त्रुटि आ जाती है, तो उसके लिए हम शब्द बोलते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, रेखीय दोष, दूसरा बिंदु दोष। रेखीय दोष में क्रिस्टल जालक में क्या होता है, क्रिस्टल जालक में की पंक्ति में ही पूरी अनियमितता आ जाती है, पूरी की पूरी पंक्ति ही गायब हो जाती है। और बिंदु दोष में क्या होता है कि क्रिस्टल में उपस्थित कुछ अवयवी कणों के स्थान में परिवर्तन होता है। बिंदु दोष अपने सिलेबस में है तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गई कि क्रिस्टलीय दोष कितने प्रकार के होते हैं आपके, दो प्रकार के, एक तो रेखीय दोष और दूसरा कौन सा है, बिंदु दोष। अपने NCERT जो वर्तमान का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग केवल अपने सिलेबस में कौन सा है, बिंदु दोष। बिंदु दोष में केवल अवयवी कण की स्थिति में अंतर आएगा और बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं ये अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तीन प्रकार के, नंबर एक स्टाइकोमेट्री दोष, नंबर एक स्टाइकियोमेट्री दोष, नंबर दो नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष और तीसरा होता है अशुद्धता दोष। क्या होता है, अशुद्धता दोष। तीसरा क्या होगा, अशुद्धता दोष। अब स्टाइकियोमेट्री दोष में क्या होता है कि इसमें विशेष बात ध्यान रखनी है कि इसमें धनायन व ऋणायन की संख्या का अनुपात सदैव समान होता है। स्टाइकियोमेट्री दोष में धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात है वो सदैव क्या होता है, समान होता। और एक चीज़ और देख सकते हो, स्टाइकोमेट्री दोष में जो अणुसूत्र में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो सदैव पूर्णांक में होगी, किस में होती है, पूर्णांक में होती है। और स्टाइकोमेट्री दोष कितने प्रकार के, चार प्रकार के। पहला अंतरा रिक्तिका दोष, दूसरा अंतराकाशी दोष, तीसरा फ्रेंकल दोष और चौथा शॉर्ट की दोष। फ्रेंकल और शॉर्ट की दोष में अंतर वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और अभी भी पूछे जाने की संभावना है। अब यहाँ से मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट और बता दूँ कि जो फ्रेंकल और शॉर्ट की दोष, रिक्तिका और अंतराकाशी क्या है, अभी हम बात करेंगे इनके बारे में। आपको ये समझना कि जो फ्रेंकल और शॉर्ट की दोष है ये दोनों के दोनों आयनिक दोषों में पाए जाते हैं, मतलब आयनिक यौगिकों में या आयनिक दोषों में, मतलब आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके मध्य कौन से दोष होंगे, फ्रेंकल और शॉर्ट की दोष होते हैं। आयनिक कंपाउंड में फ्रेंकल और शॉर्ट की दोष होते हैं और आपकी जो रिक्तिका और अंतराकाशी दोष होते हैं वो आपके अनायनिक टोसों में पाए जाते हैं। अनायनिक टोसों का मतलब देखा जाए तो जैसे सहसंयोजक टोस होते हैं उनके अंदर कौन से दोष होंगे, रिक्तिका और अंतराकाशी दोष। तो ये बात यहाँ से कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए कि रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष किन यौगिकों में होंगे, अनायनिक टोस। अनायनिक टोस का मतलब सहसंयोजक टोसों में होंगे और फ्रेंकल और शॉर्ट की दोष होंगे वो किस में होंगे, आपके आयनिक दोषों के अंदर होते हैं। ये बहुत ध्यान रखना कि फ्रेंकल और शॉर्ट की दोष किस प्रकार के यौगिकों में, आयनिक दोष में पाए जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद रिक्तिका अंतराकाशीय फ्रेंकल और शॉर्ट की के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, फिर हम आगे बात करते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक कोई इतनी विशेष बात नहीं है जो आपको समझ में नहीं है, बिल्कुल ईजिली है और आप इसको एक दो बार पढ़ोगे तो ईजिली आपको याद हो जाएगा। और जब तक आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में नोट नहीं करोगे, जब तक आप इनको अपनी नोटबुक में नोट नहीं करोगे तब तक ये आपको याद नहीं होंगे। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और मेहनत करोगे तभी अपनी किस्मत बदलेगी। तो कहते हैं ना कि किस्मत होती है वो हाथों की लकीरों में नहीं होती है, माथे के पसीनों में होती है, माथे के ऊपर पसीने। तो मेहनत करोगे तो रिजल्ट आपका आएगा। चलो इसको मिटाते हैं। अब हम बात करते हैं स्टाइकोमेट्री दोष में हम किसकी बात करेंगे, रिक्तिका दोष, अंतराकाशीय दोष, फिर फ्रेंकल और शॉर्ट की, फिर इसके बाद आज की क्लास में इतने हो पाएगा और कल की क्लास में नॉन स्टाइकोमेट्री और अशुद्धता दोष के बारे में हम बात कर लेंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। ज
जब तक मैं स्टार्ट करता हूँ, जिन जिन साथियों ने अभी इस वीडियो के लिंक को शेयर नहीं किया है अपने साथियों को, तो साथियों तक सेंड कर दें, क्योंकि बेटा जितनी ज़्यादा वॉचिंग जितनी अच्छी होगी, पढ़ाने का मज़ा उतना ही अच्छा आता है। एक स्टूडेंट का कमेंट्स आया था कि सर आप अपनी क्लास का टाइमिंग बढ़ा दें। बेटा मैं टाइमिंग बहुत लंबा कर लूँगा, लेकिन जब तक वॉचिंग ज़्यादा नहीं होगी तब तक मज़ा नहीं आता पढ़ाने में। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो स्टाइकोमेट्री दोष में पहला दोष आएगा आपका रिक्तिका दोष, और दूसरा आता है अंतरकाशीय दोष। दोनों को मैं एक साथ समझा रहा हूँ यहाँ से, कि रिक्तिका दोष और दूसरा हो गया आपका अंतरकाशीय दोष। दोनों को पहले हम डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज किया कि ये कोई क्रिस्टल है, ठीक है, ठीक है, ये कोई क्रिस्टल है, और क्रिस्टल में क्या होंगे आवेवी कण। तो माना कि इसमें आवेवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित हैं, थोड़े बड़े बन गए हैं बेटा, छोटे बनाने पड़ेंगे साइज में, ठीक है। अब यहाँ से आप समझो कि ये कंडीशन सेम ऐसी है कि यहाँ पर इनमें आवेवी कण है, ये क्या आवेवी कण है इनके अंदर, सेम कंडीशन यहाँ बना दे, ये कंडीशन है, और यहाँ पर ये क्या स्थिति है इनके अंदर आवेवी कण। अब यहाँ से जो शब्द मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको समझना, बिल्कुल कंसेप्ट में क्लियर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात आपकी नहीं रहेगी, कि ये क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल के अंदर रेड रेड गए वो आवेवी कण है। अब देखो इन आवेवी कण जहाँ स्थित है उसके अलावा ये जो खाली स्थान बच गया है उसको बोलते हैं हम अंतरकाशीय स्तर। ये जो बीच का जो खाली स्थान है यहाँ पर, इस स्थान को हम क्या बोलते हैं अंतरकाशीय स्तर, ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो कि यहाँ पर आवेवी कण है, कोई आवेवी कण अपना स्थान छोड़कर इस क्रिस्टल जालक से बाहर चला गया, यहाँ आवेवी कण था, आवेवी कण अपना स्थान छोड़ के यहाँ से क्रिस्टल जालक से क्या हो गया बाहर चला गया। अब इसके स्थान पर ये जो खाली स्थान बच गया है जहाँ पर आवेवी कण रहता था, उस स्थान को हमने क्या नाम दे दिया रिक्तिका, क्या दे दिया रिक्तिका। अब नाम से क्लियर होगा। अब देखो रिक्तिका दोष में क्या होता है कि क्रिस्टल जालक से कोई आवेवी कण अपना स्थान छोड़ के क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है, उसके स्थान पर क्या बन जाती है रिक्तिका, तो इस दोष को क्या बोलेंगे रिक्तिका दोष। लेकिन अंतरकाशीय दोष में क्या होता है कि बाहर से कोई अवयवी कण कहाँ आ जाएगा, इस अंतरकाशीय स्थान में आ गया, बाहर से कोई अवयवी कण कहाँ आ गया, इस अंतरकाशीय स्थल में आ गया, अंतरकाशीय स्थान पे आ गया, उस दोष को हम क्या नाम देंगे अंतरकाशीय दोष, क्या नाम देंगे अंतरकाशीय दोष। तो इसमें कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है। हाँ एक चीज़ और, रिक्तिका दोष में अवयवी कण क्रिस्टल जालक से बाहर गया अर्थात इसके घनत्व में कमी आ जाएगी, क्योंकि कुछ चीज़ बाहर चली गई, और इसमें क्रिस्टल जालक से बाहर से कोई कण अंदर आ गया, इसके कारण अंतरकाशीय दोष में घनत्व, जो क्रिस्टल जालक का घनत्व है, कोई एक्स्ट्रा आएगा तो घनत्व क्या हुआ बढ़ेगा। तो रिक्तिका दोष में घनत्व में क्या आती है कमी आती है, और अंतरकाशीय दोष में घनत्व में वृद्धि होती है। तो इसको हम चाहे तो इस प्रकार से ले सकते हैं कि जब, सिंपल से लैंग्वेज में लिखते हैं, जब क्रिस्टल जालक से कोई आवेवी कण अपना स्थान छोड़कर
क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है तो उसके स्थान पर रिक्तिका रह जाती है और इस दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। सीधी बात है कि कोई अभिविकरण था, क्रिस्टल जालक से क्या हो गया, बाहर चला गया, तो उसके स्थान पे रिक्तिका बन गई, उससे हम क्या बोलते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। एक चीज और, इस दोष में क्रिस्टल जालक के घनत्व में क्या होती है बेटा, क्रिस्टल जालक के घनत्व में कमी आती है। क्रिस्टल जालक के घनत्व में क्या होती है, कमी आती है। अब अंतर्राशि में क्या लिखेंगे, जब कोई अवयवी कण बाहर से क्रिस्टल जालक के अंतःकाशीय स्थल या अंतःकाशीय स्थान में आ जाता है तो इस दोष को अंतःकाशीय दोष कहते हैं। इसमें क्रिस्टल जालक के घनत्व में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसमें क्रिस्टल जालक के घनत्व में वृद्धि होती है, इसमें क्रिस्टल जालक के घनत्व में वृद्धि होती है, अर्थात क्रिस्टल जालक का घनत्व बढ़ जाता है। तो सिंपल सी बात है, और ये बात मैंने शुरुआत में बता दी कि इस प्रकार के दोष, कौन सा, रिक्तिका दोष और अंतःकाशीय दोष होते हैं, वो अनायनिक कंपाउंड जैसे संयोजक जैसे यौगिक होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो कोई विशेष बात नहीं, बस इतनी सी बात करनी है कि रिक्तिका दोष में क्या बन जाएगी, रिक्तिका बनेगी जिसके कारण क्रिस्टल जालक के घनत्व में क्या हो जाती है, कमी। इसमें कोई अवयवीकरण है, बाहर से आएगा, बाहर से कहाँ आ जाएगा, अंतःकाशीय स्थल में आ जाता है, जिससे उसके घनत्व में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती। इसके अलावा कोई विशेष बात नहीं है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दोनों इम्पोर्टेंट है। कभी कभार आ जाते क्वेश्चन रिक्तिका दोष और दूसरा हम बात कर रहे हैं अंतःकाशीय दोष, रिक्तिका दोष, दूसरा हमने क्या लिखा, अंतःकाशीय दोष। तो स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्रैंकल और शॉर्ट की दोष के बारे में बात करते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखो आगे बात करें, अब देखो आगे अपने दो टॉपिक है, फ्रैंकल एंड शॉर्ट की दोष। ये देखो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम समझते हैं फ्रैंकल दोष। देखो यहाँ से एक बात समझने की कोशिश करें, फ्रैंकल दोष, ये फ्रैंकल और शॉर्ट की दोष पाए किस में जाएंगे, आयनिक यौगिकों में, और आयनिक यौगिक होगा तो एक धनायन और एक ऋणायन होता है। अब देखो यहाँ से कुछ चीज़ें समझते हैं कि जैसे एक डायग्राम बना लेते हैं इसका, यहाँ बनाते डायग्राम समझने के लिए।
ये कोई क्रिस्टल जालक है क्या है? क्रिस्टल जालक। और इन क्रिस्टल जालक में ये कोई आयनिक कंपाउंड होगा तो एक धनायन होगा और एक ऋणायन होगा। तो जैसे हमने मान लिया कि ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, बी माइनस ए प्लस, बी माइनस ए प्लस, फिर ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, बी माइनस ए प्लस, बी माइनस ए प्लस। ध्यान रखना इस प्रकार से कोई धनायन और ऋणायन अल्टरनेट होंगे तो धनायन के पास ऋण, धनायन के पास ऋणायन होगा, ऋणायन के पास ऋणायन नहीं आएगा। तो पहले एक धनायन फिर ऋणायन, अब जैसे जैसे ये ऋणायन तो इसके चारों ओर क्या होंगे? धनायन होंगे। तो ये तो नॉर्मल क्रिस्टल जालक होता है। अब फ्रेंकल दोष में क्या होगा कि कोई धनायन अपना स्थान छोड़ के, कोई धनायन अपना स्थान छोड़ के क्रिस्टल जालक के अंतर्काशीय स्थल में आ जाएगा, अंतर्काशीय स्थान में आ जाता है, अंतर्काशीय स्थान में आ जाता है। अब समझना ये दोष कौन सा होता है? फ्रेंकल दोष, वह स्टाइकोमेट्री दोष जिसमें धनायन अपना स्थान छोड़ के अंतर्काशीय स्थल में आ जाता है, उस दोष को हम क्या बोलेंगे? फ्रेंकल दोष। जानना इसमें धनायन या जो अभिविकरण है वो बाहर से नहीं आया है, अपना स्थान छोड़ के कहाँ पर आया है? क्रिस्टल जालक में आया, अंतर्काशीय स्थल में आया, इस दोष को हम क्या बोलते हैं? फ्रेंकल दोष। अब सबसे बड़ी बात है कि धनायन अपना स्थान छोड़ के यहाँ पर आया, तो अब सीधी बात है कि अपना स्थान छोड़ के कहीं और जाएगा, तो इस कंडीशन में ध्यान रखना है कि फ्रेंकल दोष में, फ्रेंकल दोष उन्हीं आयनिक यौगिक प्रश्न आया हुआ है कि फ्रेंकल दोष उन्हीं आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिसमें धनायन का आकार छोटा होता है और ऋणायन का आकार बड़ा होता है, मतलब धनायन की तुलना में ऋणायन का आकार काफ़ी बड़ा होता है उन यौगिकों में कौन सा। अब एक और कि आप जल्दी से कमेंट्स में ये बताओ कि इस दोष के अंदर घनत्व में वृद्धि होगी या कमी होगी, जल्दी से टाइपिंग, कि इस दोष में घनत्व में वृद्धि होगी या कमी होगी। देखो ना तो कोई बाहर गया ना कोई अंदर आया, ये अपना स्थान छोड़ के तो यहीं पर आया, बाहर से तो आया नहीं, तो फ्रेंकल दोष में घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बच्चे जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं कि फ्रेंकल दोष में जो घनत्व उतना का उतना ही रहेगा, घनत्व अपरिवर्तित होता है। नॉर्मली कंपाउंड की बात करें जैसे HgCl है, AgI है, ZnS है, उनमें ये फ्रेंकल दोष पाया जाता है। तीन चार बातें याद करनी है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, टॉपिक क्लियर हो गया कि पहली बात फ्रेंकल दोष किस कंपाउंड में होगा? प्लस माइनस मतलब आयनिक यौगिकों में पाया जाता है, और इसमें धनायन अपना स्थान छोड़ के कहाँ जाता है? अंतर्काशीय स्थल में आ जाता है। और कब आएगा? जहाँ धनायन का आकार क्या हो? छोटा, ऋणायन का आकार बड़ा, तो बड़े के बीच में छोटा एडजस्ट हो जाता है। घनत्व क्या होगा? अपरिवर्तित। एग्जाम्पल की बात करें तो AgCl, AgBr, ZnS इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो चलो मैं इसको मेन मेन बिंदु यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्या लिखेंगे, कि वह दोष जिसमें छोटा धनायन, या कोई धनायन भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा कि वह दोष जिसमें छोटा धनायन अपना स्थान छोड़कर, वह दोष जिसमें छोटा धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक के अंतर्काशीय स्थान में आ जाता है, अंतर्काशीय स्थान में आ जाता है, उसे फ्रेंकल दोष कहते हैं। पहला पॉइंट ऊपर क्लियर हो गया। दूसरा, फ्रेंकल दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है, यह उन आयनिक यौगिकों में, उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन का आकार, जिनमें धनायन का आकार ऋणायन की अपेक्षा, अपेक्षाकृत ऋणायन की अपेक्षाकृत
छोटा होता है। इस दोष में क्रिस्टल जालक का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। इस दोष में क्रिस्टल जालक का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो AgCl, AgI, AgI और ZnS, ये एग्जाम्पल है। तो इसको आप इजीली यहाँ से याद कर सकते हो। ये डायग्राम किसका बनाया? फ्रेंकल दोष। चाहो तो ये जरूर लिख दिया करो जब भी चित्र बनाओ। चित्र किसका बना रहे हो आप? फ्रेंकल टोटी का। किसका बनाया? फ्रेंकल टोटी का। तो देखो कुछ बातें मैं फटाफट रिपीट कर लेता हूँ। अपना टॉपिक क्या है? फ्रेंकल दोष। क्या है? फ्रेंकल दोष। तो फ्रेंकल दोष में क्या होगा कि छोटा धनायन अपना स्थान छोड़ के कहाँ चला जाता है? अंतःकाशीय स्थान में आ जाता है। और ये किन यौगिकों में पाया जाता है? जहाँ पर धनायन का आकार ऋणायन की अपेक्षा क्या होता है? छोटा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें क्रिस्टल जालक का घनत्व क्या होगा? अपरिवर्तित रहता है। एग्जाम्पल AgCl, AgI, ZnS, ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये तो दोष हुआ आपका फ्रेंकल दोष। कौन सा? फ्रेंकल। अब हम बात करेंगे शॉर्ट की दोष की। तो पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करें। अगर शॉर्ट की दोष देखा जाए तो लगभग इसका अपोजिट है। AgI है यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखो आगे हम बात करें तो डायग्राम तो अपने काम आ जाएगा, बाकी की चीज़ें मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखो आगे अगर हम बात करना चाहें तो इसी चीज डायग्राम को हम इस प्रकार से बनाते हैं कि इसको हटाया मैंने, क्या हुआ? ए प्लस। अब अगला जो दोष है वो क्या होता है? शॉर्ट की दोष या शॉर्ट की त्रुटि। अब कुछ बच्चों में फ्रेंकल और शॉर्ट की दोष में कुछ कंफ्यूजन होता है, वो समझना। आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो जब क्रिकेट खेलते हैं तो हम गेंद के क्या मारते? शॉट मारेंगे। और अगर जोर से शॉट मार दिया तो गेंद क्या होगी? बाउंड्री से बाहर। और जोर से मार गए तो एकदम आउट, बाहर चली जाएगी। तो शॉट की का मतलब शॉट मार दिया तो मतलब बाहर चली जाएगी। तो इस शॉट की दोष में क्या होता है कि धनायन और ऋणायन कुछ अवयवीकरण, मतलब धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़ के क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं। हाँ, लेकिन इसमें धनायन और ऋणायन के लिए एक विशेष बात है कि जीना यहाँ मरना है यहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ। तो इसमें धनायन और ऋणायन दोनों साथ में जाएंगे, धनायन और ऋणायन दोनों के दोनों साथ में जाएंगे, जिसके कारण इसमें आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो फ्रेंकल इस शॉट की दोष में क्या हुआ कि जैसे एक धनायन और एक ऋणायन क्रिस्टल जालक से क्या हो गए? बाहर चले गए। शॉर्ट की का मतलब शॉर्ट मारा, बाहर चले गए। और दोनों साथ जाएंगे बराबर संख्या में, धनायन और ऋणायन। तो वो दोष क्या कहलाता है? शॉर्ट की दोष। तो वह दोष जिसमें धनायन और ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं उसे शॉर्ट की दोष कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें दोनों समान गए तो कि दोनों का आकार समान होता है। तो शॉर्ट की दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार क्या हो? बराबर होता है। अब बताओ घनत्व में क्या होगी? वृद्धि या कमी? घनत्व में क्या होगी? वृद्धि होगी या कमी होगी? सीधी बात है, दो लोग बाहर चले गए तो कमी होनी है। तो इसके घनत्व में क्या होती है? कमी होती है। जैसे एग्जाम्पल बात करें NaCl, KCl, CaCl, तो इसके एग्जाम्पल ये हो जाते हैं। तो इसके मैं मेन पॉइंट लिख देता हूँ। चित्र बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेन हो गया कि चित्र किसका बनाया था आपने? ये शॉर्ट की दोष का। किसका? शॉर्ट की दोष का डायग्राम है। पॉइंट क्या लिखोगे वो सुन लो यहाँ पे, कि वह दोष जिसमें धनायन व ऋणायन
वह दोष जिसमें धनायन व ऋणायन समान संख्या में किस्टल चालक से बाहर चले जाते हैं, वह दोष जिसमें धनायन व ऋणायन समान संख्या में किससे किस्टल चालक से बाहर चले जाते हैं उसे शॉर्ट की दोष कहते हैं। यह दोष उन आयनिक यौगिकों में या आयनिक दोषों में पाया जाता है, उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिसमें धनायन व ऋणायन जिसमें धनायन व ऋणायन का आकार बराबर लगभग बराबर होता है, इससे तो बराबर होता है। अगला कि इस दोष में क्रिस्टल जालक के घनत्व में क्या होगी, इस दोष में क्रिस्टल जालक के घनत्व में कमी आती है। एग्जाम्पल कहना चाहें तो NaCl, KCl, CaCl आदि। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई, फ्रेंकल दोष अपनी बात क्लियर हो गई कि किसकी बात करें अब, शॉर्ट की दोष की। शॉर्ट की दोष वह दोष जिसमें धनायन और ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल चालक से क्या होंगे, बाहर चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें धनायन और ऋणायन का आकार क्या होगा, बराबर होता है। क्रिस्टल जालक के घनत्व में क्या आ जाती है, कमी। तो अब बोर्ड एग्जाम में ये तो फ्रेंकल दोष शॉर्ट की दोष कैसे होते हैं इनके बारे में पूछ सकते हैं। यह सबसे अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि फ्रेंकल और शॉर्ट की दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आज का एक सवाल है जो नीचे मेरे आपको व्हाट्सएप नंबर है उसको, सवाल सिंपल सा है कि फ्रेंकल और शॉर्ट की दोष में चार अंतर स्पष्ट कीजिए। इसको नोटबुक में करके मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड करना है, जिससे मुझे भी पता चल जाएगी आपको कितना का याद हो रहा है और कितना का आपको समझ रहा है। तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन क्या है, फ्रेंकल दोष और शॉर्ट की दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में एक दो बार आ चुका है उसकी बात कर लेते हैं। एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर शॉर्ट की दोष और फ्रेंकल दोष दोनों पाए जाते हैं, एक ऐसा यौगिक, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा एक ऐसे यौगिक का नाम बताइए जिसमें फ्रेंकल और शॉर्ट की दोष दोनों में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, SgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या लिखा है, सिल्वर ब्रोमाइड SgBr। SgBr ऐसा कंपाउंड है जिसमें फ्रेंकल और शॉर्ट की दोनों दोष पाए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन अलग से आप नोट कर लेना, जैसे कुछ बातें होती हैं जो हम लिखते नहीं लेकिन फिर आप क्वेश्चन बना के नोट कर सकते हो कि ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें फ्रेंकल और शॉर्ट की दोनों दोष पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल उसका आंसर क्या होगा, SgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। तो उम्मीद है आज का अपना जो टॉपिक था, दोषों में अपूर्णता, क्रिस्टल दोष, ये क्रिस्टल टूटी जिसमें हमने बिंदु दोष में स्टाइकोमेट्री दोष और स्टाइकोमेट्री दोष के चारों प्रकार हमने कंप्लीट कर लिए। कल हम बात करेंगे नॉन स्टाइकोमेट्री दोष और अशुद्धता दोष को, कोशिश करेंगे ये टॉपिक जो चला वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।